ये आ गया तो 1000-2000 आ गया, कल तक दिन भर में पता चला कि 1000 निवास भी नहीं आया, एक टिकट तक नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता, आप शटर उठाएंगे तो काम होगा, नहीं होगा। तो आप उद्यमी हैं, इसीलिए आपका नाम रखा गया है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, ग्रामीण स्तरीय उद्यमी, क्योंकि आपका इनकम फिक्स नहीं है। बहुत अच्छी भी कमाई है, बुरी कमाई भी है, चल रहा है गुजार। तो ऐसे में हमको ये यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि इस घर में जो लोग रहने वाले हैं, जिनकी संख्या हमने दर्शाई है, वो लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, कोई उद्यम करते हैं या फिर फिक्स इनकम वाली कोई जॉब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई शक? और मैं जानता हूँ कि लाख में पढ़ाऊंगा, फील्ड में जाइएगा तो वहाँ से एक नई समस्या निकल के आती है जी, तो फिर से पूछताछ होगी। वो ग्राउंड खुद से सिखाता है, साइकिल चलाना जब बच्चे सीख लेते हैं, जब तक ग्राउंड में जाते हैं, दो बार गढ़ी में गिरेंगे, दो बार नाले में गिरेंगे, उठाएंगे, वो चीज़ आपके साथ भी रहेगी। तो डर गया वहीं से बैक हो जाएगा, जो नहीं डरा वो आगे मास्टर हो जाता है। तो मास्टर बनना है आप लोगों को, क्योंकि ये गणना आपकी पहली गणना नहीं है, ये प्रशिक्षण की गणना है, इसी से हम सीख रहे हैं। इसके बाद अभी जनगणना करेंगे, 25-30 प्रकार की गणना होती है DSTO सर्किट डिपार्टमेंट। आप सरकारी, आपको जो भी काम कर रहे हैं उसके बदले आपको पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन जो और मिल रहा है, जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, भारत सरकार का सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके अलावा कार्य अनुभव, उसके अलावा सर्टिफिकेट के अलावा भारत सरकार के डेटाबेस में आप एक प्रशिक्षित सर्वेयर के रूप में घोषित हो गए। रिलायंस को अपने जियो का अगर मान लो कोई प्रचार कराना है या ये देखना है, या टाटा को अपने नमक का गांव में सर्वे कराना है, कितने लोग टाटा नमक इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें सर्वे देगा, हम तत्काल सर्वे आप लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, सर्वे फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड होकर के आप लोगों को पहुंचेगी। तो साल में हमको करने के लिए बहुत कुछ है। CSE खुद एक सर्वे एजेंसी, बड़ी सी सर्वे एजेंसी हो सकती है, जैसे मैकेंजी और कौन कौन सी बड़ी कंपनियाँ हैं जो कंपनियों तक की सर्वे करती हैं, एम्प्लॉय की, उनके प्रोडक्ट की, कौन से प्रोडक्ट को मार्केट से रखा जाए, कौन से प्रोडक्ट को मार्केट से उठा लिया जाए। गूगल खुद सर्वे कराता है, जो गूगल पे डालता है, सर्वे कराने के बाद ही तो डालता है। अब सुनिए, तो मैं ये बात इतनी बड़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने बड़ी बात बोलने पर हमें मजबूर किया है। इसलिए किया है क्योंकि आप लोगों के काम और क्षमता का कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो सुना ना आप लोग, जीपॉम वाईफाई चौपाल सुना है आप लोगों ने? बीएलई लोग लगा रहे हैं, बिजली विभाग का मीटर ले जा करके बीएलई लोग लगा दे रहे हैं। हम तो बैठे थे कंप्यूटर चलाने, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, लेकिन दिया गया तो कुछ भी कर दे रहे हैं, वाईफाई चौपाल तक लगा दे रहे हैं, जो एकदम BSNL में एक इंजीनियर तबके के लोग जिस काम को करते हैं। तो आप लोग की क्षमता का कोई सानी नहीं है, आप लोगों में हर तरह के टैलेंट भरे हुए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें हमको बहुत कुछ मिल रहा है। कोई अगर यदि ये सोचेगा साहब 10 ही रुपया तो मिल रहा है, क्यों सर 80 रुपया मिल रहा है, ये मत सोचो। आपकी जो 500 घरों में पर्ची पीछे लिख के जाएगी कि हमारे यहाँ मोटर भी, हम वाहन का भी बीमा होता है, लाइफ का भी बीमा होता है, हमारे यहाँ गाड़ी, ये बिजली बिल जमा होता है, और हम टूर ट्रैवल भी कराते हैं, टिकटें कराते हैं, तो आप 500 घरों के डायरेक्ट आप ग्राहक बना लिए, सोचिए आप। तो ये सब चीजें हैं। चलिए आप पॉइंट पे आते हैं, तो इसमें कर लो एक, हाँ ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ टोटल मेंबर परसुइंग, हाँ ठीक है, दो कर लो, ऊपर में दो कर लो और नीचे एक कर लो। अब ये दोनों पॉइंट क्या पूछ रहा है ये बताओ, जितेंद्र इन लोग इसमें, इस पे सबसे ज्यादा गलतियां करी हैं आप लोगों ने जो स्टार्टिंग करी है। एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी में कितने लोग शामिल हैं, सपोज करिए उसमें दो लोग शामिल हैं। अब उससे अगला सवाल आपने किया कि ये दो लोग क्या क्या करते हैं, एक बताया कि ये तो दुकान करता है अलग कहीं किसी शहर में, एक बताया कि ऑटो रिक्शा चलाता है और शाम को घर पे आ जाता है। अब ये बताइए कि अगले जो कॉलम में भरी जाएगी, जो एक लिखा है, ये किसकी एंट्री भरी जाएगी इसमें, इस, हाँ जो एक लिखा, ये कौन सा है, दुकान वाला या ऑटो रिक्शा चलाने वाला? इस पॉइंट पे यही क्लियर करना है, जो फिक्स स्ट्रक्चर के अंदर है वो तो वहीं पे काउंट हो जाएगा।